सपोज दैट इंश्योरेंस का सेक्शन चाहिए, तो जहां पे मैंने फ्रेट लिखा है यहां पे इंश्योरेंस लिख देंगे, इंश्योरेंस, ठीक है, ये क्या इंश्योरेंस चार्ज लग रहा है वो। फिर हम यहां पे अकाउंट मैप कर देंगे, इंश्योरेंस का अगर बना होगा अकाउंट तो हम इंश्योरेंस का अकाउंट मैप करेंगे, ठीक है। तो फ्रेट आउटवर्ड अगर नहीं है तो मैं इसी को मैप कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास इंश्योरेंस का है नहीं अकाउंट। उसके बाद एक्सपेंस अकाउंट में इसमें जो आपका ऊपर लगा हुआ है उसी को आप इनवर्ट कर दीजिए, फ्रेट इनवर्ट। तो ये ज़्यादातर देखा जाए तो सब क्या है, फ्रेट का ही पार्ट होता है, इसीलिए यही अकाउंट ज़्यादातर क्लाइंट यही यूज करते हैं। जैसे ये रो टोटल लगा हुआ है, आप रो टोटल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे तो ये जो भी प्राइस लगेगा इंश्योरेंस पे वो स्टॉक पे कैप्चर हो जाएगा। अगर आप इसको चेकआउट नहीं करेंगे तो स्टॉक पे कैप्चर नहीं होगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, किसी भी मटेरियल को लाने में फ्रेट लगा है, इंश्योरेंस लगा है, फॉरवर्डिंग कोई चार्जेज लगा है, वो सारा क्या होता है, स्टॉक पे ही कैप्चर होता है। तो इस तरह से हम बनाए, तो फिर से अब आप फ्रेट सेक्शन देखेंगे तो एक सेक्शन बढ़ गया होगा इसमें, ये देखिए एक सेक्शन बढ़ गया। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ द कस्टमाइजेशन। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो इसमें नंबर्स ऑफ सेक्शन आप बढ़ा सकते हैं, जितने इसकी रिक्वायरमेंट है आप यहां पे एड अप कर सकते हैं विद द मैपिंग, आप अकाउंट से मैप करके आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि ये फील्ड है हमारे पास इन हैंड, जहां पे आप कोई भी फील्ड आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसको यूज करते हैं फ्रेट सेक्शन। अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, परचेज ऑर्डर है। इस परचेज ऑर्डर के बेस पे अब हम क्या करेंगे, जीआरपीओ बनाएंगे। तो ये परचेज ऑर्डर अभी तो ओपन है, तो ये अभी रुको जरा यार, रिलेशनशिप में ये फिर कॉपी फ्रॉम क्यों नहीं दे रहा, कॉपी टू नहीं दिखा रहा इसमें। सर वो अपडेट करो पहले, एक बार फिर आएगा, अपडेट पे क्लिक कर दो सर। मैंने अपडेट किया क्या, हाँ ये अपडेट नहीं किया। अच्छा फ्रेट हमने अभी लगाया था ना, गुड, सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये आ गया, अब क्या करेंगे, अब इसके बेस पे हम जीआरपीओ करेंगे। तो जीआरपीओ सर साथ साथ में डेबिट भी बना दो सर, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, अभी बाद में करेंगे, साथ साथ में कर ले, बढ़िया नहीं हो जाएगा वो। ये परचेज ऑर्डर पे कोई अकाउंट का इम्पेक्ट नहीं जाता है, अभी जीआरपीओ भी होगा ना, जो जीआरपीओ जीआरपीओ पे जाएगा, बता रहा हूँ। अगर मुझे अब जीआरपीओ बनाना है तो दो तरीके है, एक तो आप यहाँ से जाओगे कॉपी टू से, लेकिन होता क्या है कि ऑर्डर कोई बना रहा है, जीआरपीओ कोई करता है, तो उस केस में क्या होगा, उसको वेंडर का नाम या कोड पता होना चाहिए। वो यहाँ से आएगा, जीआरपीओ स्क्रीन ओपन करेगा, ठीक है, और यहाँ पे आके वेंडर कोड डालेगा या फिर वेंडर का नाम डालेगा। अग्रवाल जैसे ही डालेगा वो पूरा आ जाएगा, वहां से वो सर्च कर लेगा, उससे भी नहीं होता टाइप करके वेंडर वाले कोड पे जाएगा, वहां पे नाम से सर्च कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब वो क्या करेगा, कॉपी फ्रॉम। अब रही बात की उसको पता कैसे चलेगा कि इसके बेस पे ऑर्डर बना है कि नहीं बना है, तो वही जो हमने अलर्ट लगाया था वो अलर्ट आना चाहिए इस यूजर के पास, जो यूजर ये होगा, तो हम अलर्ट लगा देंगे। तो जैसे ही परचे ऑर्डर बनेगा इस यूजर के पास जीआरपीओ का अलर्ट चलाएगा, उस अलर्ट के बेस पे वो क्या करेगा, अपना जीआरपीओ क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आज के डेट में आप देखिए ये है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने जो उस समय अपडेट किया था वो 6 नंबर ही था, इसको हम चूज करते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें आती है, यहाँ पे देखिए ड्रॉ ऑल डाटा, ड्रॉ कस्टमाइज। यहाँ पे देखिए यूज रो एक्सचेंज रेट फॉर द बेस डॉक्यूमेंट, यूज डॉक एंड रो एक्सचेंज रेट फॉर द बेस डॉक्यूमेंट, यूज करंट एक्सचेंज रेट फॉर द एक्सचेंज रेट। तो यही आपको रखना है, करंट एक्सचेंज रेट मतलब आज का जो एक्सचेंज रेट होगा वही लेके चलना है अपने को। अब यहाँ पे ड्रॉ ऑल डेटा करेंगे तो हो गया क्या, फ्रेट एंड विथहोल्डिंग टैक्स के साथ ये टोटल का टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप कस्टमाइज करेंगे तो कस्टमाइज के केस में क्या होगा, जो पार्टिकुलर वैल्यू आप ले जाना चाहते हैं स्क्रीन पे वही वैल्यू जाएगा। जैसे सपोज दैट ये मैंने कस्टमाइज किया और नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि ये जो 3 आइटम है इसमें से कितने आइटम आप जान ले जाना चाहते हैं एमआरएन पे, ठीक है। अगर आप इसको नहीं करते हैं, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे, सिंगल को सिलेक्ट करेंगे तो सिंगल जाएगा, कंट्रोल के साथ डबल ट्रिपल तीनों ले लेंगे तो तीनों जाएगा, अगर दो लेंगे तो दो लेगा। यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं, ये सारे चीजें आप यहाँ पे कस्टमाइज अपने अनुसार आप कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन है। ड्रॉ ऑल डेटा करेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा डेटा यहाँ पे फिचअप हो जाएगा, जो चीजें परचेज ऑर्डर पे था वही हो जाएगा। तो हमारा कंडीशन यही लगा हुआ है कि जो हमारा परचेज ऑर्डर पे वही प्राइस होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे प्राइस चेंज कर दूंगा तो फिर क्या होगा, ये आपका ऑर्डर नहीं बने, ये एमआरएन नहीं होगा,
ठीक है, आपने देखा था कल हमने इसमें कंडीशन लगाया था, रणबीर ने लगाया था। अब अभी मैं इसको चेंज कर दूं तो ये नहीं होने देगा। देखिए मैं इसको 90 कर देता हूं। अब मैं इसको ऐड करने की कोशिश करता हूं, तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा, देखिए नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड जीएल अकाउंट। अच्छा, इसमें तो जीएल अकाउंट का एरर आ गया, मतलब कि इसमें जीएल अकाउंट नहीं मैप है। ठीक है, तो जीएल अकाउंट का एरर क्यों आया, तो जीएल अकाउंट चेक करना पड़ेगा हमें इस पे, ये जो आइटम ग्रुप है ना, अभी हमने आइटम ग्रुप में मैप कर रखा है, तो इसमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से जीएल अकाउंट नहीं जा रहा है। तो इसमें क्या है, हम जीआरपीओ कर रहे हैं, तो जीआरपीओ में क्या होता है, गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस एंड स्टॉक अकाउंट जाता है। तो देखिए इसमें गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस है और स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट है यहाँ पे, फिर क्यों नहीं जा रहा है ये, कल ही तो इसका रणबीर ने किया था, यही ऑर्डर था तो सही जा रहा था, आज क्या हो गया इसको स्टॉक में, कहीं स्टॉक अकाउंट तो नहीं छूट रहा है, देखना पड़ेगा इसको। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें इन्वेंट्री ऑफसेट, इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज, रेवेन्यू अकाउंट है, इन्वेंट्री वेरियंस अकाउंट, परचेज प्राइस डिफरेंस है, निगेटिव इन्वेंट्री एडजस्टमेंट नहीं जरूरी है, जीएल इंक्रीज डिक्रीज, डब्ल्यू आई पी ऑफसेट, इन्वेंट्री ऑफसेट नहीं चाहिए, एक्सपेंस क्लियरिंग अकाउंट, ये आपका रेट वाला अकाउंट जो लगा हुआ है उसकी वजह से ये दे रहा है, वहाँ पे लगा रखा है ना हमने तो वो मांग रहा है। तो एक्सपेंस क्लियरिंग अकाउंट में आप फ्रेट फ्रेट आउटवर्ड फ्रेट इनवर्ड, इसमें एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का पार्ट ये है, तो इसको आप मैप कर दीजिए। उसके बाद सिर्फ गुड डैश इसको अपडेट करिए, एडवांस जीएल भी होता है, एडवांस जीएल बताएंगे इसके बाद। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, काइंडली मैच जीआरपीओ प्राइस विद द पीओ प्राइस, तो यहां पे हमने प्राइस चेंज किया था, इस वजह से नहीं हो रहा। जैसे ही हम इस प्राइस को 100 कर देंगे, ये क्यों हो रहा है, जो हमने कल नोटिफिकेशन लगाया था उसके वजह से, अगर नहीं नोटिफिकेशन लगाते तो जिस प्राइस पे हम करते वो ले लेता। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे 94-92 ये आ गया, मतलब परचे ऑर्डर पे इतना बचा हुआ, बाकी का ऑलरेडी एमआरएन हो चुका है, कल जो रणबीर ने 2-3 टाइम्स में जो एमआरएन किया था उसके वजह से हो चुका है, तो इतना ये क्वांटिटी उतना ही होगा। अगर इस पे आप मोर देन इससे कर देंगे, जैसे कि ये 94 है 100 कर देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि परचेज ऑर्डर के साथ कोरिलेशन नहीं रह पाएगा, परचेज ऑर्डर के अनुसार इतना ही आउटस्टैंडिंग अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये इतना ही होगा। अब जैसे ही मैं ऐड करूंगा ये आपका एमआरएन हो जाएगा, तो प्राइस आपका मैप कर गया। ठीक है, जो परचेज ऑर्डर था उससे हो गया, तो ये मटेरियल हमारा कहाँ चला गया स्टॉक में। अब कहाँ पे गया, तो ये किस वेयर हाउस में गया उसको देखना है, तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे टेबल फॉर्मेट कीजिए, और यहाँ पे डब्ल्यू एस, आप अगर बाय डिफॉल्ट आरएम वेयर हाउस ले रखे हैं तो आरएम में ही जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमने आरएम वेयर हाउस ले रखा है, तो ये स्टॉक कहाँ चला गया, आरएम में चला गया। अब रह गया कि इसमें जनरल एंट्री क्या गई, अकाउंट इंपैक्ट यहाँ से परचेस साइकिल में शुरू होता है, तो आप जनरल एंट्री ओपन कीजिए, ये रही देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस जो एलोकेशन अकाउंट है वो आपका क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब सिंपल इसको याद कर रहे हैं क्या तरीका है, परचेज कर रहे हैं, एमआरएन का मतलब क्या, मटेरियल रिसीव नोट्स, वेंडर ने मटेरियल भेजा, आप स्टॉक को क्या कर रहे हैं, मटेरियल को अपने वेयरहाउस में इन कर रहे हैं। ठीक है, और उसका उसको रिसीव नोट दे रहे हैं, इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम, मटेरियल रिसीव नोट, या इसी को सैप में क्या बोलते हैं, जीआरपीओ, गुड्स रिसीव परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर पे जो मटेरियल आया उसको हम गुड्स रिसीव कर रहे हैं। तो जब भी मटेरियल इनसाइड आएगा हमारे स्टॉक में, ठीक है, तो वो डेबिट होगा, तो इसीलिए देखिए ये स्टॉक हमारा डेबिट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, ये डेबिट हो रहा है। ठीक है, और गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस ये एलोकेशन अकाउंट है। ठीक है, जब भी आपका जीआरपीओ पे होता है ये इस अकाउंट का क्या बेनिफिट है ये बताता हूं आपको। गुड रिसीप्ट नॉट इनवॉइस कहने का मतलब है ये आपका यहां पे क्रेडिट हो रहा है, और जब इसका इनवॉइस बन जाएगा तो वहां पे डेबिट हो जाएगा, दोनों क्या हो जाता है, नॉकअप हो जाता है, तो खत्म हो जाता है, यहां पे क्रेडिट वहां पे डेबिट, सरप्लस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इसका यूज क्या है, अगर सपोज दैट इनवॉइस नहीं बना है तो उस केस में आप ये बता सकते हैं
कि कितने अमाउंट का आपका जो इन अभी मटेरियल है वो आपका एमआरएन पेंडिंग है। जो एमआरएन पेंडिंग रिपोर्ट होता है ना वो यहीं से बनेगा, इसी अकाउंट से बनेगा कि अभी तक कितने एमआरएन हो चुके हैं और जिसका इनवॉइस नहीं बना है, तो इसी से बनता है। अगर ये जीरो है आपका, अगर आपका एमआर गुड्स रिसीव नॉट इनवॉइस अकाउंट अगर आपका जीरो बैलेंस हो जाएगा, इसका मतलब समझिए कि आपका एमआरएन कोई भी पेंडिंग नहीं है। ठीक है, तो अब रही बात कि ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट, तो स्टॉक जब भी हमारे मटेरियल, जब हमारा स्टॉक आएगा हमारे वेयरहाउस में जाएगा तो ऑलवेज क्या होगा, स्टॉक अकाउंट हमारा डेबिट होगा। जब हमारा मटेरियल स्टॉक से बाहर जाएगा तब क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। तो जहां भी आउट जाने की बात होते है वहां क्रेडिट, जहां इन आने की बात होते है वहां पे डेबिट होता है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, और इतना ही दोनों को आप ऐड करेंगे तो इसके बराबर होगा, ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। आप बोलेंगे कि गुड रिसीव तो इतना से है, ये 2536, तो आपने अभी देखा था फ्रेट पे हमने क्या किया था, फ्रेट पे हमने चेकआउट किया था कि स्टॉक अमाउंट, स्टॉक पे ये वैल्यू जो भी हम फ्रेट लगाएंगे वो कहां पे जाना चाहिए, स्टॉक पे वो वैल्यू कैप्चर हो जानी चाहिए। इसीलिए देखिए ये 236 जो फ्रेट में लगा था वो यहां पे स्टॉक पे कैप्चर हो गया, 54,800 प्लस 236 कितना हो गया, 55,036 हुआ, स्टॉक पे कैप्चर हो गया। ठीक है, अब रही बात कि ये क्यों चल रहा है नीचे वाला, तो हमने इसमें क्या लगा रखा है कि परचेज अकाउंट को रन करा रहे हैं, कि हमारा मटेरियल जो परचेज होता है तो उसके लिए हम परचेज अकाउंट चलाते हैं। तो परचेज अकाउंट जब भी आप चलाएंगे तो ये आपका क्या होता है, ऑफसेट अकाउंट चलता है, गुड्स गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज अकाउंट, जहां पे ये परचेज अकाउंट चलेगा तभी ये चलेगा। अगर परचेज अकाउंट आप नहीं यूज करेंगे तो ये कॉस्ट ऑफ गुड परचेज अकाउंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ऑफसेट अकाउंट है, किसका, परचेज अकाउंट का, रॉ ऑफ मटेरियल परचेज अकाउंट। जब इसको नॉकअप करेंगे हम रिकंसाइल करेंगे तो इसी के साथ रिकंसाइल करते हैं। ठीक है, तो जितना से ये क्रेडिट हुआ है उतना ही से ये क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। तो यही चीजें यहाँ पे चल रही है, यहां तक क्लियर है दिलदार सिंह जी? सर नहीं सर, सर कि आप एक्सेल में किसी तरीके से बता सकते हो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, तो डेबिट होगा तो क्यों होगा, क्रेडिट होगा तो क्यों होगा, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, समझ नहीं रहा हूं। मैंने क्या बोला, रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट क्वेश्चन हो रहा है, क्यों बताया मैंने, क्यों डेबिट हुआ, डेबिट का मतलब और क्रेडिट का, देखो डेबिट का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें डेबिट यानी कि मुझे किसी को पैसे देने हैं और क्रेडिट मैंने किसी से पैसे लेने हैं, ऐसे ही है? नहीं 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 नहीं, नहीं। उल्टा चल रहा हो, सुनो, क्रेडिट हाँ जब भी तुम बैंक में जाते हो, हाँ जी, पैसा लेके गए, तुमने अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा किया, ठीक है, तो पैसा किसको दिया, बैंक को दिया ना, हाँ जी, जब बैंक को पैसे दिए तो बैंक ने तुम्हें एक क्रेडिट दे दिया कि भाई तुमने 500 रुपए जमा किए, मैं अब तुम्हें क्रेडिट देता हूँ 500 का, तुम जब चाहो तब आके मेरे से पैसे ले जाना, ठीक है, तो तुम्हारे अकाउंट में क्या लिखा था, 500 CR, हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके से पैसा निकला गया कहाँ, बैंक में गया अल्टीमेटली, ठीक है, तो जहां गया तो बैंक हो गया वो आपका, जो आपका आपका जो पासबुक है वो आपका ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके यहां से गया है, तो पासबुक में क्रेडिट आ गया, ठीक है, लेकिन जो बैंक है HDFC बैंक है SBI बैंक है उसमें गया था वो डेबिट हुआ, फिर उसको यूटिलाइज करेगा वो, तो बैंक के पास गया है तो बैंक डेबिट हुआ, हम हमारा जो पासबुक अकाउंट है जो हम जमा कर रहे हैं वो क्रेडिट हो रहा है। वही चीजें मैंने बताया, जब रॉ मटेरियल हमारा आएगा बाहर से, ठीक है, रॉ मटेरियल को जब हम इन करेंगे स्टोर में लेंगे तभी तो हमें एमआरएन देंगे उसको, मटेरियल रिसीव नोट, हाँ जी हाँ जी, तो हमारा स्टॉक अकाउंट क्या हो रहा है, इन हुआ तो क्या हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है, ठीक है, और उसके बेस पे ये जो आपका इनवॉइस है ये आपका क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि ये क्या करेगा, आगे जब जाएगा तो वेंडर को उसको नॉकअप कराएगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक से इससे पकड़ना कि स्टॉक हमारा आ रहा है इसीलिए यहाँ पे डेबिट हो रहा है, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। तो ये इसका इसके साथ चल रहा है, अब ये दोनों जो चल रहा है ये इसलिए चला है क्योंकि हमें परचेज अकाउंट को भी डेबिट कराना है, हम क्या कर रहे हैं कुछ कोई चीजें हमने परचेज किया है, ठीक है, तो परचेज किया है तो उस अकाउंट में इन हो रहा है, तो इसलिए इसको हमने परचेज अकाउंट को अभी डेबिट कराया, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज को उतना ही से क्रेडिट कराएंगे,
तो सिंपल कंसेप्ट आपको दिमाग में ये रखना है कि जब आपके पास कोई चीज आएगा ठीक है तो डेबिट, जब आपसे कोई चीज बाहर जाएगा तो क्रेडिट। जैसे सपोज दैट आपने वेंडर को पेमेंट करना है ठीक है, ठीक है, आउटगोइंग पेमेंट में गए, आपने वेंडर को पेमेंट कर दिया 5 लाख रुपीज पेमेंट किया, तो वेंडर क्या हो जाएगा हमारा डेबिट हो जाएगा और हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट से निकला और वेंडर को गया, तो पैसा जा कहां रहा है, मूवमेंट कहां हो रहा है वेंडर को, तो वेंडर डेबिट हमारा अकाउंट क्रेडिट ठीक है। अब कस्टमर से पैसा आ रहा है इन आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो बैंक अकाउंट है कंपनी का, कस्टमर हमें दे रहा है और कहां आ रहा है बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा डेबिट और कस्टमर क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि कस्टमर से पैसा निकला और कहां आया हमारे बैंक अकाउंट में। कुछ घुसा दिमाग में या नहीं घुसा? सच बताओ तो नहीं घुसा भैया। अब इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कर सकते, वीडियो को 20 बार देखना, थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना, तब फिर डिस्कस करेंगे इस पे, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें इसमें बताए हैं, गौर से सुनोगे और इस पे सोचोगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है अमित। हाँ सर, आपको समझ में आया कुछ? हाँ समझ में आया सर, वो एक्चुअली जो अपना नॉर्मल कंसेप्ट और एसएपी में जो चलता है थोड़ा डिफरेंट है सर। मेरा एक क्वेश्चन था सर, एक बार फिर से वो जनरल एंट्री दिखाई ना। हाँ ये है तो जनरल एंट्री, आप देखो सर इसमें जो अकाउंट मैपिंग होता है सर, जैसा जीआरएन तो रहता ही है, गुड रिसीव नॉट इनवॉइस्ड वाला, ठीक है, ये परचेस अकाउंट मिस मैंडेटरी है क्या सर कि वहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा करके? क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है कि वो परचेस अकाउंट चलाएगा या नहीं चलाएगा। अगर वो अगर देखा रिव्यू में अगर पूछा जाए कि एमआरएन में क्या जनरल एंट्री जाता है, तो आपको बस यही बताना है कि रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड गुड्स रिसीव नॉट इनवॉइस डेबिट, आपको इसको नहीं बताना, ये ऑप्शनल चीजें है ठीक है। तो जब भी आपको पूछे कि जीआरपीओ पे क्या जनरल एंट्री जाता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव क्रेडिट एंड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डेबिट डेबिट, यही बताना है। ओके, यही क्वेश्चन पूछता है, पूछा था ये बार इंटरव्यू, यही पूछता ही है, जब भी जाओगे इंटरव्यू में अच्छे में सब जगह अकाउंटिंग इंपैक्ट पूछता है जनरल एंट्री, और ये जरूरी है, अगर आप फंक्शनल है तो आपको अकाउंटिंग स्ट्रांग होना ही चाहिए, अदरवाइज आपका फंक्शनल होने का कोई मतलब नहीं है। मोबाइल तो एक छोटा बच्चा भी ऑपरेट करेगा, सैप को देख देख के लोग कोई भी चला लेगा, लेकिन जो अकाउंटिंग इंपैक्ट जा रहा है, हाथ पैर हिलने लगते हैं जब कंपनी के अकाउंटेंट वगैरह जब घेर के बैठ जाते हैं, तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तो घेर घेर के जितने बुड्ढे होते हैं ना, वो गलत को भी सही साबित करने पर लग जाएंगे। बिल्कुल, यही प्रॉब्लम है बस। हाँ, तो वो नॉलेज तभी जब होगा तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जगेगा।